हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सबको इंक्लूड किए हैं, और यह क्वेश्चन एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। और आप टेस्ट लगाएंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हम फिजिक्स फिजिक्स का चैप्टर वाइज टेस्ट करा रहे हैं। आज जिन फ्रेंड्स का छूटा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और जितने भी नए फ्रेंड्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो अब ना छूटे। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम लोग टेस्ट लगाने। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? दोस्तों आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो 8 मिनट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जो होता है हमारे पास कितने समय में आता है? तो वो लगभग 1.5 मिनट में आता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो इसका स्ट्रक्चर देखो दोस्तों। और हमारा जो प्रकाश का वेग होता है वो कांच में 2 × 10⁸ m/s होता है, और जल में जो होता है 2.25 × 10⁸ m/s होता है, और निर्वात में जो होता है 3 × 10⁸ m/s होता है, और नायलॉन में जो होता है 1.98 × 10⁸ m/s होता है। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में हो जाता है। अगर इसको किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर/s हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, किरीट, जिसे कोरोना भी कहते हैं। आज सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो होता है वो 460 सेकेंड होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन होता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिए दोस्तों। तो यह अनुप्रास तरंग होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो यह अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिसको हम याद करने का माध्यम होता है बिबगोर। बिबगोर से हम सभी 7ों रंगों का नाम याद कर सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, और इसका अन्य भी उदाहरण है जैसे जैसे हीरा का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, सब पूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, धूप में चश्मे की क्षमता होती है? यहाँ पे क्षमता रहेगा दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो 0 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? उसकी क्षमता पे मतलब क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी क्षमता घट जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? तो सबसे तरंग दैर्ध्य कम होता है बैंगनी होता है, और इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, कैमरा में किस प्रकार का
लेंस उपयोग में लाया जाता है। या उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग को प्रतिरूपित किया जाता है? तो कार्निया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। और हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो यह निकट दृष्टि होगा, और इसको मायोपिया भी बोलते हैं। और इसका निवारण के लिए अवतल लेंस लगाते हैं, और एक दूर दृष्टि होता है, और इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और इसको उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, तो निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस ये सही है, दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस ये भी सही है, जरा दृष्टि दोष, द्विफोकसी लेंस ये भी सही है, अबिंदुकता, दर्पण ये गलत है, दर्पण नहीं होता है, बेलनाकार यहाँ पे होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या अर्थ है, अभी ऊपर पढ़े हैं, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, दूरबीन क्या है? तो दूरबीन जो होती है, दूर की वस्तु देखी जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं, मतलब ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, तो उसके ताप का पता चलता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश, नीला प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, मतलब बीच से जाती है तो सबसे कम हो जाती है? तो यह कांच हो जाएगा, कांच में, ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, मतलब कौन से दिन? तो 21 जून, 21 जून को सबसे छोटी परछाई होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तालाब वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, वह किसका कारण है? या अपवर्तन, तो अपवर्तन के कारण होता है। और हमारा अगला प्रश्न, फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है? या प्रकाश का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा यंत्र जो होता है? तब पेरिस्कोप होता है, और ये जब ऑप्शन है, और पिछले चैप्टर में सबके बारे में बताया गया है। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया था, मतलब कौन से वैज्ञानिक किए थे? तो गैलीलियो ने, और चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, और ग्राहम मेल जो टेलीफोन का आविष्कार किए थे, और जे एलवियर्ड जो थे
जो टेलीविजन का आविष्कार किए थे। और हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, यह एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो तरंग दैर्ध्य द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग नहीं है, तो प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन से, तो हरा लाल नीला होते हैं, तो हमारा पीला हो जाएगा। पीला प्राथमिक रंग नहीं होते, बाकी ये सब प्राथमिक रंग होते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो अभी पीछे पढ़ाया गया आपको, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।